हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मिटियोर गार्डन का एपिसोड 16 और बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 16। शियायु शीमेन और मेइजो के साथ बेसमेंट में है और संशय उसे बाहर ढूंढने गई है। दामिनशी अपने रूम से बाहर आता है और लिशिन और जियांग बाई से पूछता है कि संशय कहाँ है। तभी लेई बाहर से आता है तो दामिनशी लेई से पूछता है, संशय कहाँ है? लेई कहता है, मैं बाहर संशय को देखने गया था, क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? दामिनशी ये सुनकर शॉक होता है और कहता है, क्या मतलब? लेई कहता है, संशय कह रही थी कि शियायु बाहर गई है नाइट व्यू देखने, इसलिए संशय उसे ढूंढने गई है। तभी वहां शियायु शीमेन और मेइजो आते हैं। लेई शियायु से पूछता है, तुम ही शियायु हो ना? तुम तो बाहर नाइट व्यू देखने गई थी ना? शियायु कहती है, मैं तो नहीं गई, मैं तो मेइजो और शीमेन के साथ थी। लेई कहता है, संशय तुम्हें ढूंढने बाहर गई है और बाहर तो बहुत तेज स्नो फॉलिंग हो रही है। दामिनशी संशय को ढूंढने निकल जाता है। लेई को सब समझ आ जाता है कि लिशिन और जियांग बाई ने संशय से झूठ बोला था। लेई उन दोनों से बहुत गुस्सा है और लेई गुस्से में उन दोनों पर वाइन फेंक देता है। मेइजो कहता है, लेई तुम्हें ऐसा नहीं करना था। लेई कहता है, क्या एक वाइन का ग्लास संशय की लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं? लेई संशय के लिए बहुत केयर करता है और ये पहली बार है जब लेई ने किसी और गर्ल की इतनी केयर की जिन के अलावा। संशय बाहर तूफान में खो गई है और वो वापस भी नहीं आ सकती। संशय अपनी लाइफ पे फ्लैशबैक देखने स्टार्ट कर देती है और सोचती है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, ग्रेजुएट होना है, फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जाना है और लास्ट में मैरिज करना है। और फिर संशय बेहोश हो जाती है। दामिनशी संशय को ढूंढ लेता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। संशय धीरे से कहती है, मैं मर चुकी हूँ। दामिनशी कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और दामिनशी संशय को उठाकर एक घर में ले जाता है। दामिनशी संशय को सोने से मना करता है और संशय पर अपनी जैकेट भी डाल देता है। फिर दामिनशी संशय के लिए आग जलाता है जिससे वो थोड़ी गर्म हो सके। इधर लेई और सब संशय और दामिनशी के लिए बहुत परेशान है। संशय सोचती है कि इस स्नो स्टॉर्म में मुझे दामिनशी ने बचाया, अगर दामिनशी नहीं होता तो शायद मैं मर जाती। शीमेन और शियायु उन्हें ढूंढने जाने की कहते हैं। मेइजो भी रेडी हो जाता है पर लेई उन्हें मना करता है, कहता है, अच्छा होगा अगर हम यहीं रुकेंगे तो। हम सब दामिनशी पर बिलीव करते हैं ना, और हमें बिलीव करना होगा कि वो अभी संशय के साथ होगा। सब लेई की बात मान जाते हैं और मेइजो कहता है कि लेई तुम सही कह रहे हो, दामिनशी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एनिमल है पैशन के साथ। दामिनशी हर कोशिश करता है जिससे संशय को गर्मी फील हो पर संशय कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी मेरी नहीं है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। दामिनशी अपना स्वेटर उतारता है। मुझे लगा कि दामिनशी अब अपना स्वेटर भी संशय को दे देगा पर ऐसा नहीं है। दामिनशी संशय से कहता है कि मैं तुम्हें वार्म करूंगा अपनी बॉडी से। संशय मान जाती है और वो अपने क्लॉथ्स उतार देती है। दामिनशी संशय को हग कर लेता है और वो दोनों लेट जाते हैं। संशय दामिनशी से कहती है, मुझे टच नहीं करो। दामिनशी कहता है, मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर संशय सोचती है कि दामिनशी मुझे सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है। डोंग संशय, फालतू सोचना बंद करो, और सोचती है, मैंने कभी इससे ज़्यादा एम्बेसिंग नहीं सोचा था कि मैं और दामिनशी हाफ नेक्ड होकर एक दूसरे को हक करेंगे। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उस जगह दो लोग आते हैं और संशय और दामिनशी को जगाते हैं। देन वो दोनों ड्रेसअप होते हैं। दामिनशी संशय से कहता है, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे तुम्हारी चिंता हो। संशय उसे प्रॉमिस करती है। यहाँ दामिनशी के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही क्यूट होते हैं। रेडी होकर वो दोनों वापस निकलते हैं अपने केबिन की तरफ। दामिनशी संशय को पेगी बैग राइड देता है क्योंकि उसके पैर में लग गई थी। देन वो दोनों केबिन पहुँचते हैं। सब जल्दी से उनके पास पहुँचते हैं। लेई दामिनशी से मजाक में कहता है कि हमें लगा कि तुम अभी तक तो मर ही गए होगे बाहर। दामिनशी कहता है, वो छोटा सा स्नो स्टॉर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दामिनशी गुस्से में कहता है, हम तो ठीक हैं, पर वो कौन है जिसने कहा था कि शियायु बाहर गई है? लिशिन और जियांग बाई संशय से कहती हैं, तुम ठीक हो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। लेई उन्हें कहता है कि अगर दामिनशी और संशय को कुछ हो जाता तो तुम रिपे कैसे करते? दामिनशी उन्हें जाने को कहता है। वो कहती हैं कि अगर हम इस टाइम बाहर गए तो हम फ्रीज हो जाएंगे और वो दामिनशी से सॉरी भी कहती हैं पर दामिनशी उनकी नहीं मानता। संशय उसे रोकती है और कहती है कि मैं इन्हें पनिशमेंट दूंगी और वो उन्हें हाउस साफ करने की कहती है। मेइजो कहता है कि ये कैसी पनिशमेंट है पर दामिनशी भी संशय की बात मान जाता है। दामिनशी के बेस्ट बडीज
वंडर करते हैं और दामिनी से पूछते हैं कि लास्ट नाइट उन्हें कैसे सरवाइव की, क्योंकि स्टॉर्म बहुत टेरिबल था। दामिनी बिल्कुल ब्लैंक होने वाले फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिमेन कहता है, तुम रात को कहाँ रुके थे? क्या कुछ ऐसा हुआ था जो रोमांटिक मूवीज में होता है? ये इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट होता है, जहाँ मेइजो और शिमेन सनशाई और दामिनी की एक्टिंग करते हैं और लेई उनको वार्म फील कराने के लिए फायर बनता है। सनशाई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और दामिनी उनके बीच शाय फील करता है और वहाँ से चला जाता है। श्याओ यू सनशाई को बताती है कि जब वो बाहर लॉस्ट हो गई थी तो लेई उसके लिए कितना वरिड था। ये भी बताती है कि उसने उन इविल गर्ल्स पर वाइन भी फेंक दी थी गुस्से में। सनशाई तो बिलीव ही नहीं करती इस बात पर। नाइट के टाइम फाइनली कई एपिसोड्स के बाद लेई और सनशाई का इंटरेक्शन होता है। सनशाई लेई को थैंक्स कहती है क्योंकि श्यायू ने उसे सब बता दिया। लेई पूछता है, अब तुम ठीक हो ना? सनशाई कहती है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। फिर सनशाई लेई से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए वरिड थे? लेई कहता है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, और वहां से चला जाता है। सनशाई को रियलाइज होता है कि इतने कोल्ड में भी उसकी हॉलीडेज फुल ऑफ वॉर्म है। सनशाई बाहर अकेली खड़ी है। दामिनी उसके पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनशाई कहती है, मैं बाहर फ्रेश एयर लेने आई हूँ। देन दामिनी सनशाई से कहता है, हमारे आसपास कोई नहीं है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? सनशाई मना करती है। दामिनी कहता है, क्या सच में तुम्हें अपने सेवियर से कुछ नहीं कहना? सनशाई सोच कर थैंक यू कहती है। दामिनी कहता है, सिर्फ थैंक यू? सनशाई कहती है, नहीं, मुझे याद है, मुझे तुम्हारे 50,000 युआन वापस देने हैं। दामिनी कहता है, मुझे ये नहीं सुनना। तभी फायरवर्क स्टार्ट होता है। सनशाई से देखकर बहुत खुश होती है। शिमेन और श्यायु एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और लेई और मेइजो, क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दामिनी उसी टाइम सनशाई से पूछता है, क्या तुम सच में डम हो या सिर्फ प्रिटेंड करती हो? सनशाई को कुछ सुनाई नहीं देता और उससे कहती है कि ये हैप्पी न्यू ईयर है और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। दामिनी कहता है, क्योंकि तुम कह नहीं रही हो। सनशाई कहती है, क्या कहना है? दामिनी कहता है, तो तुम नहीं कहोगी? फाइन, मैं ही कह देता हूँ। दामिनी सनशाई को आई लव यू कह देता है, पर पहले की तरह सनशाई इस बार भी नहीं सुन पाती। पर फिर भी दामिनी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कह दिया। नेक्स्ट डे सब लोग अपने हॉलीडेज मनाकर वापस संघाई आते हैं। F4 दामिनी के मेंशन पर होते हैं। दामिनी हैप्पीली अपने स्नैक्स खा रहा है और F3 वंडर करते हैं कि दामिनी इतना खुश क्यों है। शिमेन उससे पूछता है कि सनशाई और तुम्हारे बीच क्या हुआ था और पूछता है कि न्यू ईयर की इवनिंग में तुम कहाँ थे। लेई उनकी बातें शांति से सुन रहा था। दामिनी कहता है, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, जाकर लेई को परेशान करो। फिर दामिनी स्माइल करता है न्यू ईयर की इवनिंग के बारे में सोचकर, क्योंकि उसने सनशाई से कन्फेस किया था। मेइजो और शिमेन पूछते हैं, एक्चुअली में हुआ क्या था? पर दामिनी कुछ नहीं बताता और स्माइल ही देता रहता है। एपिसोड 16 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल।